मासी फिर किचन में आ गए आप क्या करें दिन भर किचन में रहते हो यार थोड़ा तो थो रेस्ट कर लिया कर अगर छोड़ा छोड़ा मैं कर लूंगी छोड़ मासी नहीं मासी मैंने देख लिया आप और मौसा जी तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हो आपको पता है मैं और भाई अगर पापा जी के सामने गलती से छीक भी लेना हम दोनों खुद ही गिल ट्रिप में चले जाते हैं तीन तीन दिन तक हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं जो हमने देखा है ना वो मतलब सीरियसली वो तो ये बच्चे सही नहीं पाएंगे हमको हर सब्जी खाने की आदत है भैया और मैं बचपन से मम्मी ने इतनी आदत डाल रखी है ना आपको पता है वो बोलती थी खाना है तो नहीं तो बाहर में जाओ जो सबके लिए बनेगा तो फिर भी वही खाना है सब चीज़ खाने की आदत है हम तो सूखा चावल भी बिरयानी समझ के खा लेते हैं मुझे नहीं देखना टीवी भी, भी। यही तो करते रहते दिन भर टीवी फोन टीवी फोन घर वालों के साथ कब टाइम मिलेगा कब बात करेंगे उनसे मैं तो बैठ जाती हूँ मम्मी के साथ भी गप्पे लड़ाने के लिए पापा जी आते हैं ऑफिस से उनके साथ चाय वाय होती है तब हम लोग बातें कर लेते हैं उसी में तो मजा है को समझ नहीं आता

पैरों में कैसे आपको स्वेलिंग हो रही है मैं आपके पैर दबा देती हूँ मासी काल रखो तेल काल रखो मैं मैं घर पे भी करती हूँ यार कोई, कोई नया थोड़ी कर रही हूँ आप ऐसे बोल रहे जैसे पता नहीं कोई अजनबी हो